This news produced by Sunrise Apartment. ईद मिलादुन्नबी के पावन पर्व पर भंडारा के जामा मस्जिद एवं सौदागर मोहल्ला ट्रस्ट की ओर से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें शुगर, बीपी, मलेरिया, डेंगू व अन्य सभी बीमारियों के कैंप एक ही जगह पर आयोजित किए गए एवं इस कैंप में डॉक्टरों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और फ्री में जांच की। साथ ही लसीकरण कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें लसीकरण के प्रति जन जागृति की गई। उसी प्रकार जिला विधि सेवा प्राधिकरण भंडारा की ओर से न्यायाधीश भोसले ने भी शिविर में मार्गदर्शन किया। आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष स्वातंत्र्याला पूर्ण झाल्यानंतर आपण जो काही एक अमृत महोत्सव साजरा करतोय 2 ऑक्टोबर ते 14 नोव्हेंबर या दरम्यान, आणि या कार्यक्रमाचं आयोजन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि नगर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमान कार्यक्रमाने कार्यक्रम आपण घेतो आहे। त्याचा उद्देश मुख्य जो आहे तो बऱ्याच लोकांना कायद्याचं जे मूलभूत जे काही बेसिक नॉलेज असायला हवं, माहिती असायला हवी, ती नसल्यामुळे बरेचसे लोक जे आहेत म्हणजे त्यांच्या अधिकारापासून त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहिलेले आहेत, आणि त्याच्यामुळे त्यांना हक्काची जाणीव करून देणं आणि त्या हक्काची म्हणजे जे काही अधिकार आहेत तर त्याची ते त्यांना कसं मिळून देता येईल याच्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचं काय काम आहे हे समजून सांगण्यासाठी हे शिबिर आम्ही आयोजित करतो आहोत। या शिबिरामध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नेमकं काय आहे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण हे जिल्हा न्यायालयाच्या अहवालात एक स्वतंत्र कार्यालय आहे। या कार्यालयाचं काम मुख्यत्वे जसं आपल्या राज्यघटनेनं आपल्याला मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत त्याच्यातला सर्वात महत्वाचा जो अधिकार आहे न्यायासमोर सगळ्यांना समान वागणूक न्यायासाठी झालेला जातील, तर ही समान वागणूक घेत असताना बऱ्याचदा समाजामध्ये विषमता असते, काही वेळेला आर्थिक दुर्बलता असते, वेगवेगळ्या कारणामुळे मागासले पण असतं, आणि अशा लोकांना न्यायालयापर्यंत येणं किंवा त्याची माहिती मिळणं कठीण झालं, तर अशा लोकांना न्यायालयासमोर जे काही सुविधा पुरवायच्या आहेत त्याच्यामध्ये सर्व सुविधा न्यायालयामध्ये काम चालत असताना काय काय लागतं कागदपत्र काढण्यासाठी तुम्हाला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मदत करेल, शिवाय प्रसारात लढण्यासाठी वकिलांची सर्वात महत्वाची गरज लागते तुमची बाजू मांडायला, आणि बऱ्याचदा वकिलांचं मानधन ऐकल्यानंतर पक्षाला तिकडेच होत बाबा आता नको मी माझ्याकडनं काही मी देऊ नाही शकत आहे, तर अशा लोकांसाठी आम्ही जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण वकील नेमतो आणि त्यांचा जो काही खर्च आहे सगळ्या प्रकरण लढण्याचा हे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण करत आहे। इस कार्यक्रम में नगर परिषद भंडारा की ओर से रोजगार एवं महिला बचत गट की सेवाओं के लिए मार्गदर्शन किया गया। भंडारा जिले में जामा मस्जिद एवं सौदागर मोहल्ला ट्रस्ट की ओर से चेकअप क्लिनिक का भी शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ये है कि भंडारा में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कम दर पर जांच की जाए। आज के दौर में यदि कोई बीमार व्यक्ति को जांच कराना हो तो डॉक्टर फीस के साथ साथ दवाओं का भी मूल्य अधिक हो चुका है, जिसके कारण आम नागरिक सही तरह से इलाज नहीं कर पाता। ऐसे कई उद्देश्यों को लेकर व गरीबों को कम दाम में दवा और जांच हो सके इसके लिए क्लिनिक की शुरुआत की गई। आज अंसारी वार्ड सौदागर मोहल्ले में जामा मस्जिद ट्रस्ट और सौदागर मोहल्ला मस्जिद ट्रस्ट के द्वारा आयोजित यहाँ मुफ्त शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें नागरिक सुविधा केंद्र की जानिब से यहाँ पे पूरे डॉक्टर्स और नर्सें आई है और सभी तरह की तपासनी है यहाँ पे, और लसीकरण जो जिन्होंने नहीं लिया है उसका भी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आना शुरू हुए हैं। मैं अपने ट्रस्ट की जानिब से यहाँ सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और अपने ट्रस्टी लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया और ये कार्यक्रम के आयोजन में की शोभा बढ़ाई, जिसमें मस्जिद ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिला विधि सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीश नगर परिषद जांच के लिए आगे आए। डॉक्टर, नर्स और सभी चेकअप के स्टॉल लगाए गए, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे।
डॉक्टर कविता कविश्वर नागरी आरोग्य केंद्र भंडारा तर्फे वैद्यकीय अधिकारी म्हणून इथे अंसारी वार्डला उपस्थित आहे। आज आमच्या इथे आम्ही आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित केलेला आहे अंसारी वार्ड मध्ये। इथल्या लोकांचा खूप मोठा सहभाग आहे यामध्ये आणि आपण कोविड लसीकरणासाठी तसंच विविध तपासण्यांसाठी ज्याच्यामध्ये बीपी शुगर आहे आणि क्षयरोग आहे, कुष्ठरोग आहे, दंतरोग आहे, मुखरोग आहे, यामध्ये सर्व नागरिकांनी जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे आणि आपल्या जास्तीत जास्त तपासण्या करून घ्याव्या असं मी आपल्या सर्वांना आवाहन करते। मैं डॉक्टर मनीष बत्रा, दंत शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय भंडारा। आज का यहाँ पे शिविर जो लिया हुआ है जिसमें डेंटल चेकअप, दंत तपासनी, बीपी, शुगर, वैक्सीनेशन भी चालू है कोविड का, फिर एचआईवी की टेस्टिंग और बाकी जन जागृति कार्यक्रम लिया हुआ है। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर इसका फ़ायदा लेना चाहिए और अभी तो मैं बोलता हूँ हर 30 साल के ऊपर के लोगों ने बीपी और शुगर की तपासनी रेगुलरली करनी चाहिए क्योंकि बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है कि इतनी अपने भी घर को सेवा सभी लोग यहाँ पर संस्था की तरफ से और अपने यूपीएससी की तरफ से हो रही है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा लेना चाहिए। दामिनी मनोहर भिवगड़े, मैं जिला सामान्य रुग्णालय भंडारा पे आहार तज्ञ हूँ। यहाँ पे आज अंसारी वार्ड में नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र द्वारे मार्फत शिविर आयोजित किया है। यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए शुगर बीपी का तपासनी है, आहार सलाह है, मतलब जो भी कुछ छोटे बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनको कुछ आहार के मार्फत अगर कुछ जानकारी चाहिए होंगी वो यहाँ पर दी जा रही है। कुछ दवाई गोली है उसका भी वाटप यहाँ पे है। तो बहुत सारे जो भी नागरिक यहाँ पे उपस्थित है उन्होंने ये शिविर का लाभ लेना चाहिए और जो भी वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है, उन्होंने अपना कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि थर्ड वेव आने की चांसेस है। तो उससे बचने के लिए सब ने वैक्सीनेशन लेना चाहिए, ये मैं बोलती हूँ। त्याच्याच एक पार्ट म्हणून शासनाने आपल्याला एक लसीकरण, एक लस उपलब्ध करून दिली आहे आणि सर्व नागरिकांना ते लस घेऊन एक सुदृढ राहण्याची संधी या लसीकरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेली आहे। आजच्या कार्यक्रमामध्ये लसीकरणासोबतच आरोग्य तपासणी आणि मोफत औषध उपचार सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे। या ठिकाणी पूर्ण तज्ज्ञ डॉक्टरची टीम आहे। सर्व नागरिकांना विनंती करतो की त्यांनी या संपूर्ण आरोग्य तपासणीचा लाभ घ्यावा। आपके अपने चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।